कृष्णा कैसे कर लेते हो आप? आपको पता कैसे चल जाता है कि हमें चोट लगने वाली है और हमेशा की तरह बचा भी लेते हो? चोट से तो तुम बच गए, हमारी मार से कैसे बचोगे? हाँ, आज के बाद अगर बिना जूते के देखे ना, देखना हम क्या करेंगे। ओके, ओके, चलो हमारे जूते पहनो। नहीं नहीं चीर भैया, हम आपके जूते नहीं पहन सकते। वो कहावत नहीं सुनी, अगर किसी के जूते पहन लो तो उसके हिस्से के जूते भी खाने पड़ते हैं। क्लास में तो तुम गए नहीं बेटा, कहावत कहाँ से सीखी? ये क्लास के बाहर वाली कहावत है भैया, मुर्गा बन के समझ में आती है। अंदर की बात यह है कि आपके जूते हमारे लिए बहुत बड़े भैया, हमारे पैर तो क्या हम ही फिट नहीं होंगे उसमें। एक पड़ेगी ना पूरे फिट हो जाओगे। चलो। अरे यार, हम इतना ज्ञान दे रहे हैं और आप हमारी बात को लिटरल सेंस में ले रहे हो। कहने का मतलब यह है कि आप हमारी बात को इंग्लिश में सोच के देखिए, देन इट विल मेक सेंस। आई विल नेवर बी एबल टू फिट इनटू योर शूज। अब हमें देर हो रही है, चलते। होली, क्या ड्रामेबाज है ये। बात तो बिल्कुल सही कही कान्हा ने। हमारे चीरू की जगह कोई नहीं ले सकता, उसके अपने सगे भाई भी नहीं। माँ, हमारे भाई हमसे आगे की सोच रखते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, वो आगे की सोचते हैं, लेकिन जो पीछे की सोचे, पीछे वालों की सोचे, वैसा बस तू ही है हमारा चिरंजीव। माँ इतनी तारीफें मत करो, नहीं तो हम फूल के भटूरा बन जाएंगे। हम ना भी कहे तो सिर्फ आगरा क्या, सारी दुनिया जानती है मार्बल की खान में पत्थर तोड़ने वाले तेज सिंह चौधरी और उनके बेटे धनराज चौधरी के छोटे से बिजनेस को। उनका पोता चिरंजीव कहां से कहां लेके आया है। बाबूजी, होली की शुभकामनाएं। तुम्हें भी बधाई हो। होली की शुभकामनाएं। खुश रहो बेटा। ये जो तू 15 करोड़ का ऑर्डर लाया है ना लंदन से, ये इसी बात का सबूत है। कृष्णा, भगवान की मूर्ति बनाई जरूर मेरे दुश्मन परिवार ने, लेकिन इनकी सेवा, इनकी देखभाल सालों से हमारा परिवार करता आया है। मेरे चीरों के मेहनत का नतीजा है। और तू कहता है कि तेरी तारीफ ना करो। तेरी तारीफ तो जुबान बंद करो तो आंखें कर देती है, और आंखें बंद करो तो गर्व से उठा हुआ मेरा सर। आज तो बिरादरी में ऐलान भी तो करना है। किस बात का ऐलान बहू? यही कि अब चिरू लौट आया है तो उसके लिए आने वाले रिश्तों की छटाई शुरू करेंगे हम। इसमें ऐलान करने वाली कौन सी बात है सरोज?
हम किसी को दिखाने के लिए या जलाने के लिए थोड़े ना ही अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अब क्या है ना, जिनके घर में तीन तीन कुंवारी लड़कियां बैठी हो वो तो जलेंगे ही, हम जलाए ना जलाए। औरों के घर में झांकने से पहले एक बार अपने घर में देख लो सरोज, कुसुम बैठी है कुंवारी और उन सबसे तो बड़ी ही है। अब इसे तो तुम अपनी बेटी मानती हो या फिर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सगी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ मैं इसे, लेकिन सिर्फ इसे और किसी को नहीं। लोगों के जख्म तो बखत के रहते बढ़ जाते हैं, पर तुम्हारा बखत के साथ और बढ़ने लग गया है। दिन रात उन्हें कुरेदती जो रहती है बाऊजी। हाथ में रही है दीदी, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे होती कौन है आप ये सब बोलने वाली? निकल जाइए हमारी हवेली से, निकल जाइए हमारी हवेली, हमें क्या, हमें निकल जाइए। होती कौन हो मतलब? हमारे कोई औकात नहीं है, देखा जीरू के मामा हमारे औकात पूछ रही है ये। क्यों हमेशा मेरे और उस घर के बीच आता है? तो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नकुल द कूल। यस बॉय, सो कमिंग अप विद कटिंग नाइफ। अरे ऐसे कैसे कूद गया छोटे, चोट लग जाती तो? नहीं लगती, आप कभी लगने ही नहीं देते, मुझे पता है ना, जैसे आपके लिए चीरू भैया मेरे लिए आप हो। अरे ऐसे उधर कहाँ देख रही है बहू? कान्हा को देख रहे हैं बाऊजी, देखिए ना निकम्मा वापस घुस गया अपने कैमरा में। हमने चीरू को मना किया था, मत दिला उसे ये बीमारी। ये तो वही बात हो गई, ये योद्धा बना दो और हाथ में तलवार भी ना दो। अजय तो उसका काम कर रहा हो। ये कैसा काम है बाऊजी? आप सब लोगों ने बिगाड़ के रखा है उसे और इसने मेरे नकुल को। माँ आप हमारे भाइयों के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू इनका सगा भाई है और हम इनकी सौतेली माँ। तुम्हें 10 महीने और इन्हें 8 महीने नहीं रखा है अपने पेट में, सबको बराबर का प्यार दिया है, बराबर का समय दिया है, पर चिंता तो उसी की होती है जिस पे भरोसा कम हो। पता नहीं क्या होगा दोनों का। माँ आप चिंता ना करो, हमें ना इसी बात का तो आसरा है चिरू, तू नहीं होता तो क्या होता इन दोनों का, निकम्मे है दोनों। माँ जिसे आप निकम्मा कह रहे हैं ना वो तो अपना अलबेला है।
अकेला वो तो है अलबेला। पाइप बन गई। नहीं छोटे, कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि माँ चीरू भैया से ज्यादा प्यार करती है? ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है भाई, आज उनकी आंखों में चमक नहीं देखी है, ऐसा लगता है एक नया 100 वॉट का बल्ब चला है जो पिछले एक महीने से फ्यूज पड़ा था। पर इस बात पर कभी आपको बुरा नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे लगेगा, चीरू भैया है ही इतने अच्छे। वो तो हमारे चीरू भैया इज द बेस्ट। यस, इसीलिए तो हम सबके फेवरेट है। हाँ चलो एक फोटो हो जाए। दद्दू पापा चलिए आइए, एक फैमिली फोटो हो जाए। आ जाइए आ जाइए, चलो आ बेटा। अरे तू भी तो आना, हम फोटो खींचेंगे ना। ओके रेडी स्माइल। अरे हिम्मत तो हर साल होती है, इसमें कौन सी नई बात है, तू चुप कर। और वैसे भी कान्हा के लिए उसके दोस्त और दुश्मन एक जैसे हैं होली पर। अच्छा अभी दिखाती हूँ मैं तुझे, इधर आ। अरे अभी तो पूरी दुनिया तेरे को देख रही है। गाइस मीट सयूरी द एलियन। तेरी तो तुझे अभी बताती हूँ मैं। भाग नकुल, एलियन अटैक। रुक ना, भागना कहाँ। अरे हिम्मत है तो यहीं पे आके रुक जाना। तेरे जैसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा टाइम नहीं है, वेट किसने किया तुझे, जाना यहाँ से। तुझे परेशान किए बगैर मेरी होली हैप्पी नहीं होती। तेरी तो होली मैं हैप्पी करती हूँ, रुक जा। और क्या रहा, इधर हिम्मत है तुम माँ के सामने आके दिखा। हिम्मत तो बहुत है,
लेकिन तुझ में नहीं है। जब देखो पंगे करता है और अपनी माँ के बल्लू के नीचे जाकर छुप जाता है बेशरम। चल हट। अठारह साल पहले भी इसने ऐसा ही किया था पापा, और इस पर उसकी माँ ने बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कहा जिससे सब बर्बाद हो गया। कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जो ना भरे हैं और ना ही कभी भर पाएंगे। नाम भगवान का और काम शैतान के, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी कान्हा। हमारी लाइफ में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। ये दो परिवारों के टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आगे भी कुछ भी होगा ना हमारी लाइफ में, तो उसका भी जिम्मेदार तू ही होगा, तू ही करेगा सब कुछ। बहुत नफरत करती हूँ तुझसे कान्हा, बहुत नफरत कान्हा। अब तेरा हिसाब तो मैं चुकता करूंगी। एलियन अटैक। वैसे भाई अगर भैया को ये पता चला ना तो बहुत डांट पड़ने वाली है हमें। हाँ तो पढ़ने दे डांट। सयूरी को परेशान करके जितना मजा आता है ना, उसके सामने वो डांट कुछ भी नहीं। और अगर किसी से दुश्मनी करो तो बिना किसी परवाह के करो। क्यों? वाह मेरे भाई क्या बात की है। I love this philosophy. क्या philosophy है? वाह। एक philosophy मेरे भी है नकुल, किसी का उधार मत रखो, ना पैसों का ना इन जैसों का। मजा आया? अरे यार आग में डाल दिया कलर, तेरी तो पुराना माना होली है। पागल हो गई है भाई, क्या किया? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, देख लूंगा। अरे पहले देखने लायक तो हो जा। तेरी शिकायत ना हम माँ नहीं भैया से करेंगे, चीरू भैया से तेरी शिकायत करेंगे और वो तेरी क्लास में लेंगे। ओ प्रोफेसर मैं हूँ, क्लास मैं लेती हूँ, बता अपने भाई को। देख लेंगे हम। अरे देख लेंगे, लेकिन अभी तुझे ततैया की तरह नाचते देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये ले। कान्हा नकुल कहाँ हो? बड़े मंदिर जाना है आरती के लिए, चलो चले। पर तुम दोनों की आरती तो मैंने ही उतारती है। भाई भैया बुला रहे, बाद में देख लेंगे इसे। चलो। नाम सयूरी और काम फितूरी, गिन गिन के बदला लेंगे तुझसे। अरे इस बहाने कम से कम गिनती सीख लेगा नालायक।
बोलो राधा कृष्ण की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब मजा आएगा जब होली के रंगों में और रंग मिल जाएंगे।